आया मालकिन, खाना अभी तक नहीं बना है मालकिन। डॉली दीदी, हमने धोबी को प्रेस करने के लिए कपड़े दे दिए हैं। ऐसे छोटी मालकिन, आपकी पूजा की थाली तैयार है। नाना जी, आपकी धोती प्रेस कर दी है, हमने पानी भर लिया है। नाना जी, आपकी अदरक वाली चाय हम बना कर लाते हैं। क्या कर रहे हो पन्ना जी, है मिर्गी का दौरा थोड़ी पड़ा है उसे, रात रात भर ऐसी चिल्लाता रहता है। मालकिन, हमने घर के सारे काम कर दिए, पोछा लगा दिया है। हो क्या गया है हमारे बड़े लाल को? नानी जी, मेरे एक दोस्त के फादर को भी ना ऐसा ही कुछ हुआ था, वो रात भर चिल्लाते रहते थे। यू नो, आई थिंक ही इज गोइंग थ्रू वर्क स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्या होता है बेटा? वो नानी जी, इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो बस ये है कि ये ना काम करते करते थक गए तो इनका दिमाग भी थक गया। बताओ, हमको अभी तक नहीं पता चला, अमेरिका वालों को पता लग गया कि थक गया है। सोचो, इतने बड़े परिवार का बोझ अकेला उठाता है ये इंसान। नाना जी की चाय तैयार है। हमारी गलती है, हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। कृष्णा बेटा, लेकिन हमने अब तय कर लिया है, सुन लो। हम कल ही नए नौकर का इंतजाम करेंगे। मालकिन, हमने घर के सारे काम कर दिए, पोछा लगा दिया है। अजाब गजाब घर जमाई। नानी जी, आपने ना एकदम सही फैसला लिया। मतलब बड़े लाल जी भी कितना काम करेंगे, उन्हें भी तो आराम चाहिए ना। आराम कैसा, इच्छादारी ना करता क्या? सारे दिन आराम ही तो करता है। ये जो रात को चिल्लाने का बीमारी दिखा रहा ना, ये सब उसका बहाना है। बात कर रहे हो पन्ना जी, कुछ तो इंसानियत रखे। अरे बेचारा बड़े लाल एक टांग पर खड़ा हुआ, इधर से उधर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरे घर में भागता फिरता है। अरे उसको लंगड़ी टांग खेलते देख लिया होगा, वो ऐसे करके देखो, ऐसे फेंकते हैं। अरे बैठ जाओ, टांग टूट जाएगी, इधर बैठो। वही देखा होगा मैया। वैसे आपने बात बिल्कुल सही कही है, नया नौकर आ जाएगा तो हम भी दो चार व्रत और बढ़ा देंगे। माफ करना, लेकिन आप सारे के सारे लोग ना बात को नहीं समझ रहे हो। नानी जी, मैं क्या क्या कह रहा था? कोई बहस नहीं, कोई बड़े लाल भी हमारे बेटे के जैसा है, हम उसको और तकलीफ में नहीं देख सकते। कृष्णा बेटा, हमने फैसला कर लिया, जल्दी से किसी अच्छे से नौकर का इंतजाम करो जो हमारे बड़े लाल का हाथ बटाए। जी जी नानी जी। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा आ जाए कोई नेवला, इसका फनी कुचल दे। मेरा मतलब है उसका साथ में काम कर दे। मतलब भाई, हमको तो लगता है केबल कनेक्शन काटना पड़ेगा। एक है वो सोप देखते रहते, आप है नेशनल ज्योग्राफिक, सांप, नेवला, इससे ऊपर उठिए। हाँ नहीं तो खुशबू। हाँ खुशबू इधर से आ रही है, विदेशी सेंट लगाते हैं ना तो दूर तक तो खुशबू जाती है। नाना जी, मैं लेके आऊँ, इसका नाम खुशबू है। सही है, है? मेरा मतलब अच्छा किया, सही किया तुम लिया, मन लगा रहेगा। मतलब अगर ये काम में मन लगाएगी तो मन लगा रहेगा ना। सही बात है। हाँ, चलो जाओ, इंतजार किस बात का, जाओ बड़े लाल के साथ, इंतजार क्या है, चलो जाओ। एक मिनट जी, काम शुरू करने से पहले ये देख लो, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और इस पे साइन कर दो, फिर करूंगी जी मैं शुरू काम। ये क्या है? एग्रीमेंट है जी, नौकर एसोसिएशन का। इसमें मेरे काम करने की सारी शर्तें लिखी हैं कि मैं किन शर्तों पर काम करती हूँ। देखो जी, वैसे तो इस एग्रीमेंट में सारी शर्तें लिखी हुई हैं, पर क्या है ना, दो चार शर्तें तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। शर्त नंबर एक, मुझे ना सुबह उठने की आदत नहीं है जल्दी, तो 9 बजे से पहले ना मुझे उठाने की हिम्मत ना करना। और शर्त नंबर दो, देखो जी, खाना तो मैं अपनी पसंद का खाती हूँ, जो मेरा दिल चाहे, कोई रोक टोक नहीं चाहिए मुझे, क्या खाती हूँ, क्यों खाती हूँ, इतना खाती हूँ, है जी। और शर्त नंबर तीन जी, देखो जी, मैं ना रात को 8 बजे के बाद कोई काम नहीं करती जी, मेरा आराम करने का टाइम होता है जी। और चौथी शर्त तो बिल्कुल छोटी है जी, कोई खास नहीं है, क्या ना कि सैटरडे को मैं आधा दिन काम करती हूँ
और संडे को तो मैं पूरा दिन रेस्ट करती हूँ जी, पूरे दिन की छुट्टी लेती हूँ। अब आप देख लीजिए, बाकी की छोटी मोटी शर्तें तो इस एग्रीमेंट में लिखी हुई हैं जी, एकदम पढ़ लीजिए अच्छे से ध्यान से, फिर बता दीजिए मुझे, कुछ जल्दी नहीं है जी। हाँ जी जी जी, मैं पढ़ता हूँ। सही है। अच्छा ठीक है, आपकी हमें सारी शर्तें मंजूर है, आप बस काम शुरू कीजिए। हाँ। बड़े लाल, इनको अदरक वाली चाय बनाना बताओ, कैसे बनती है हमारे लिए। ठीक है जी, अगर आपको सारी शर्तें मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है काम करना। चलो जी, दिखा दो रसोई घर। चलो। सही है। क्या सही है सीजन नाना जी, हैं? क्या लगा रखा है ये आपने? ये मैडम क्यूरी यहाँ पे काम करने आई है, नखरे करने के लिए आई है, और आपकी रॉकेट बनने जा रहे हो, हैं? इंद्रधनुष बने हुए हो, मैं बोलूँ क्या नानी जी को? आइए 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 आइए, ये देखिए, ये है हमारा किचन। छोटा है पर ठीक है, मेनू कौन सा इतने घर बसाना है ना। अच्छा मेनू ये बता, कॉफी कहाँ रखी है? जी धन्यवाद, हम कॉफी नहीं पीते हैं। ओ कॉफी तूने थोड़ा पीनी है, कॉफी तो मेनू पीनी है। जल्दी बता कॉफी कहाँ है। अच्छा सुन, अब मैं बनाती हूँ अपने लिए कॉफी, और तू मेनू बता इन घर वालों के बारे में। वो घर वालों के बारे में मतलब हमारी घर है। सुनाई नहीं दे रहा, कब से चिल्ला रहा हूँ, चाय दे दे चाय दे दे चाय दे दे, सुनता ही नहीं है। वो नाना जी, वो क्या है ना कि वो मैं वो। ओहो अंकल जी, की होया मेनू दसो। अंकल जी मत कहो, हमें अंकल जी कहना सुनना पसंद नहीं है। हम तो नाना है घर वालों के, हमें ना पन्ना लाल बोलो। पन्ना लाल। लगता है आपने एग्रीमेंट में ना शर्तें नहीं पढ़ी है, ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। उसमें साफ साफ लिखा है कि चाय सिर्फ दो टाइम बनेगी, अगर तीसरी बार चाय पीनी है ना तो खुद ही बना लो। ये क्या बात हुई, हम घर के मालिक हैं, अगर चाय हमें बनानी होगी तो तुम्हें क्यों रखा है। हाय रब्बा, बिल्कुल खुराना साहब जैसे बात कर रहे हैं। ओ खुराना साहब मालूम है? ओ कौन है खुराना साहब, मतलब कौन है खुराना साहब? खुराना साहब मेरे पहले मालिक, जहाँ मैं पहले काम किया करती थी। बेचारे भले ही चंगे आदमी थे जी। थे मतलब अब कहाँ हैं? अरे जेल चले गए, और कहाँ होंगे। जेल? क्यों क्यों? हाय रब्बा क्या दसूं जी, इतनी चिड़चिड़ करते थे, हर बात में टोकते रहते थे। बस जी फिर तो एक दिन हमारा दिमाग ही खराब हो गया, हमें तो इतना गुस्सा आया कि बस फिर तो पूछा ना जी, पुलिस पकड़ के ले गई, और क्या। पुलिस? क्यों क्यों? अरे क्यों क्या, एक दिन हमने अकेले में छेड़ने का इल्जाम जो लगा दिया था उनके सर पर, फिर क्या सारे घर वालों ने मिलकर उन्हें उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो, मैंने क्या किया? बचाओ, कोई है। नानाजी क्या कर रहे हो? ये तो मैं छोड़ा नहीं रहता नानाजी। नानाजी सिक्योरिटी ध्यान रख, हुआ ठीक है तू? वो क्या है खुशबू बिटिया? खुशबू बिटिया, बिटिया सही कह रही हो, ये कोई चाय पीने का टाइम है, अब मेरे दवा लेने का टाइम हो गया, मैं जाके दवाई लेता हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ। सही है सही है। चलो मैं भी कॉफी पी लेती हूँ। बड़े लाल जी क्या हुआ? खुशबू जी, हमारी ना पूजा का समय हो रहा है, तो थोड़ा मंदिर साफ कर दीजिए और पूजा की थाल लगा दीजिएगा, और हाँ वो पूजा के लिए ना प्रसाद का इंतजाम कर दीजिएगा। और होए, रुको, लगता है कि इस पूरे घर में हजे तक किसी ने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा, उसमें लिखी शर्तों को तो ध्यान में नहीं रखते हो। उसमें साफ साफ लिखा है कि दो टाइम की चाय, झाड़ू पोछा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाली। हाँ हे कुंज बिहारी,
ये लड़की है या आरी? रक्षा करो हमारी। बड़े लाल जी, अब हमारे फेवरेट प्रोग्राम देने का टाइम शुरू। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हो? अरे टीवी देख रही हूँ। वो तो पता है, लेकिन चैनल चेंज क्यों किया? हमारा फेवरेट शो आने वाला है अभी। हाँ मेम साहब, एग्रीमेंट नहीं पढ़ा आपने? उसमें साफ साफ लिखा है कि 8 बजे के बाद तो हम टीवी देखेंगे, हमारे फेवरेट शो आते हैं। लेकिन हम अजाब गजाब घर जमाई। अरे आप ये घुमाना बंद करेंगे तो मैं कुछ काम करूं? तो मैंने कौन सा रोका है, करो ना। अरे सोच क्या रहे हो, डालो ना भाई। जी जहर तो नहीं मिला इसमें? अरे ये क्या है? खाना है जी, और क्या है? बड़े लाल जी, आपने बताया नहीं खुशबू जी को कि इतना मसाले वाला और ऑयली खाना हम लोग नहीं खाते। I mean, this is just too oily. अरे जमाए बाबू, बताया था इन्हें, सब कुछ बताया था, मगर इन्होंने कहा कि इन्हें जैसा खाना बनाना आता वैसा ही सबको खाना पड़ेगा। पर ऐसा खाना खा के हम सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा तो और क्या, यहाँ खाना बनाने के लिए हम विदेश जाके कुकिंग कोर्स करके आए क्या? सही है सही है, सही बनाया होगा खुशबू ने, मेरा मतलब खुशबू बेटी ने सही बनाया होगा। आप हाँ में हाँ मिलाना बंद कीजिए, हमारे यहाँ कोई ऐसा खाना नहीं खाएगा। अरे नहीं खाता है तो मत खाए, और नहीं चलेगा ना तो कोई बात नहीं, हमें भी नहीं करना है ऐसी जगह काम जहाँ पर सब लोग घास फूस खाते हैं। मेरी एक दिन की तनख्वाह एसोसिएशन के ऑफिस भिजवा देना। अरे बाप रे कृष्णा, ये किसको उठा कर ले आए? देवर तो देखो महारानी के। अरे कृष्णा बेटा, कहाँ से उठा लाए, ऐसे होते हैं नौकर? मैं तो पहले ही कह रहा था ये नौकर पोकर का आइडिया बेकार है, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है कोई यहाँ पे। क्या देख रहा है इधर? काले साहब तेरे भले की बात कर रहा हूँ, नौकरी के लिए ना कहकर। देख मेरे पास ना 475 स्कीमें हैं, पर यहाँ पे मुझे कोई मौका दे तब ना है। अच्छा एक बात बता, मैं तेरी समस्या का हल कर दूँ, निदान कर दूँ, तो मुझे तू पानी कम दूध ज्यादा वाली चाय पिला देगा ऐसे? समस्या का समाधान करूँगी तब ना है। बंद करो ये खुसर पुसर। देखो इस घर में बड़े लाल की चिंता हमसे ज्यादा और कौन कर सकता है, गलती हमसे हुई है तो हम ही सुधारेंगे। हमको ऐसा नौकर चाहिए जो बड़े लाल की बात सुने और उसी के हिसाब से चले। हाँ भैया आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम ना हमारी सहेली से बात करते हैं, वो एक अच्छे नौकर का बंदोबस्त कर देगी जो हमारे घर के हिसाब से कामकाज संभाले। सुंदरी तुमसे हो पाएगा? हाँ भैया। तो चलो ठीक है, अपनी सहेली से कहो कि कोई नौकर भेज दे। सही है। देखा, मालकिन से ज्यादा हमारी चिंता कोई नहीं करता। ये भी पराठा बना दिया। नाम क्या तेरा? आके आए हम। नाम खा क्या है? करी चावल। ए, करी चावल, ये कैसा नाम हो गया भाई? छोले भी बना लेते हैं, भटोरे भी बना लेते हैं, और हर एक रंग का बना लेते हैं। आप जो कहिएगा वो बना लेंगे हम। अब वो ऐसा है कि हमारी सहेली ने बताया कि थोड़ा ऊंचा सुनते ही है, लेकिन काम बहुत अच्छे से करते हैं। काम करेगा ये, पूरा घर का काम तमाम करेगा, बोलेंगे कुछ, सुनेगा कुछ और करेगा कुछ। अगर इसे लिख कर दे दे तो? अनपढ़ है बेचारे, लेकिन काम अच्छे से कर लेंगे।
बड़े लाल जी इन्हें ना इशारों में सारे काम समझा दीजिए। हाँ जी मानती ले जाओ मास्टर जी। आइए 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 जाओ जाओ। हाँ इधर इधर ऐसे इधर इधर केसरिया एक काम कर 38 नंबर पे 1000 रुपए लगा दे। सही है। ए इधर हाँ नींबू पानी ले क्या जोर से बोलिए ना। अबे नींबू पानी बोला नींबू पानी समझ रहा है कि नहीं चिल्ला कह रहे हैं लेके आते हैं अब ले क्या नींबू पानी बोला था बाल्टी भर के पानी नहाने के लिए लेके आया क्या? हाँ बहुत भूख लग रही है। आज तो साढ़े भाई मैं खिलाऊंगा आपको। खाना खाना कहाँ है? अरे जमाए बाबू हमने इसे इशारों में समझा दिया था कि आज खाना बनाना है खास ये समझा कि सबका है उपवास इसलिए इसने खाना नहीं बनाया। मेरा भट इतनी देर से नानी जी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सुन ही नहीं रही है बात मेरी। क्या बात हो गई कैसे होगा? अरे क्या बताए कुकर की सीटी सुन ही नहीं पाया ये इसलिए कुकर का ढक्कन उड़ गया बूम उसी का धमाका है ये। बताओ इसको घर से बाहर करो नहीं तो ये हमें जेल में अंदर कर देगा बता रहा हूँ। हाँ भेजो इसे। अजब गजब घर जमाई। मैं तो कब से कह रहा हूँ इस घर को नौकर की जरूरत ही नहीं है नानी जी। देखो बेटा चंद तुम्हारा मतलब है बेटा चिंटू कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। तुमको अगर लगता है इस घर में दूसरे नौकर की जरूरत नहीं है तो साबित करो। ठीक है नानी जी अब इस काम की जिम्मेदारी चिंटू चौटाला लेता है और साबित कर देगा जो कह रहा है सही कह रहा है। गेट आउट। ओ काली धूप इधर आ। देखा कितना ख्याल है मुझे तेरा हैं? इसी बात पे राधे राधे चाय पिला दे। अभी लाया साहब। अभी लाया ऐसे सुंदरी भी ना खाना खा के बर्तन वहीं रख देती है यानी उठा के सोई में रखे सब काम वहीं करूंगा। हाथ नहीं हिलाते ये लोग। डॉली जी वो पार्वती बन के ये कपड़े सुखा दीजिए ना मैंने धो दिए। कृष्णा जी वाह कमाल कर दिया डॉली जी हैं? ये देखो शीशे में शक्ल नहीं दिखती करके फर्श में दिख रही है। चिंटू जी लड़कियां मायके में काम नहीं करती हैं ये हमारे ससुराल होता तो हम सोचते भी तो चिंटू जी ये हमारे हिस्से का काम भी आप ही कर दीजिए। हाँ जमाए बाबू तेरे थप्पड़ मारू आंखें उधार दे क्या है दिख नहीं रहा सफाई हुई है पीछे से आ। हाँ ये गर्मा गर्म चाय आपके लिए। ये कैसे उठाऊं ये पकड़ जरा पकड़ जरा। देख तूने मुझे चाय पिलाई है मैं तुझे बाल्टी देता हूँ शाबाश मेरे चीते। देखा बड़ेला हमसे ज्यादा इस घर में तुम्हारी कोई चिंता नहीं करती और शातिर चिंटू चौटाला की खातिर करने की जरूरत नहीं है वो जितना टेढ़ा है ना
उसके काम भी उतने ही टेढ़े। सुंदरी, डॉली, कृष्णा, पन्ना जी, देखा चिंटू चौटाला क्या हाल बना दिया तुमने हमारे परिवार का। हुआ, हुआ, हुआ कर रहे सब लोग। ऐसे साबित की तुमने अपनी बात। अरे जगदम्बे मत पूछो, अरे पूरे शरीर की हड्डियां कीर्तन कर रही हैं। और ये सुंदरी जहाँ खाती है अपने बर्तन वहीं छोड़ देती, ये नहीं खुद का काम खुद कर ले। अरे तो बाबूजी आप भी तो कहीं अखबार, कहीं कपड़े, कहीं चाय का कप रख देते हैं तो। और नानी जी ये डॉली जी, अब कपड़े सारे मैंने धो दिए थे तो कम से कम आप सुखा तो सकती थी ना डॉली जी। अरे तो बाकी के लोग कौन से इन सब बातों का ख्याल रख रहे थे, वैसे भी हम अपने ससुराल गेंदा फूल में भी नहीं है। हाँ भगवान, कोई कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, किसी के कोई बात समझ में नहीं आई। भाई नानी जी मैं इन सब से काम करा के यही बात साबित करना चाह रहा था कि हम सब लोग अगर अपना काम, छोटा मोटा काम घर का खुद ब खुद कर ले तो इस बड़े अजगर की, मेरा मतलब है बड़े लाल जी की, कितनी मदद हो जाएगी, है कि नहीं? सही कह रही है बिल्कुल। हाँ आप भी सही कह रहे हैं कि सही कह रहा है ये, बहुत सही कह रहे हो बेटा। इतनी बड़ी बात कह दिया चिंटू चौटाला ने, सुनो अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो हमारे बेचारे बड़े लाल की कितनी मदद हो जाएगी। हमारे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा ना? जी जी जी। हाँ बेटा सबको समझ आ गया। अब आज से जो भी रविवार आए उसमें तुम्हारी छुट्टी, जो मन आए कर। यस बेटा चिंटू, हमेशा की तरह आपकी बार भी हम तुमसे बहुत बहुत माफी मांगते हैं कि हमने तुमको। आपका सारी गलती माफ है। मेन बात यह है कि सब लोगों के ये बात समझ में आ गई, है कि नहीं? है। हाँ भाई काले जादू, अब एक फटाफट से काली चाय छोड़ के सफेद दूध वाली चाय पिलाओ। बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। क्या फिल्म थी यार, क्या फिल्म थी, मजा आ गया। क्या झिझुम झिझुम थी, क्या नाच गाना था और क्या हीरोइन थी, मजा आ गया दोस्त, मजा आ गया। अब समय की कोई चिंता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। पागल आदमी। अजब गजब घर जमाई।